Jemadeva. Hare Hare Mahadeva, Hare Hare Mahadeva, Jai Shambhu Rama, Jai Bhole Nath, Ho Devon Ke Deva, Mere Mahadeva. जी हाँ दोस्तों, आज भैरवी स्टूडियो में एक ऐसा कलाकार पहुंचा है, बहुत दूर से आया है, और मैं सच में सलाम करना चाहूँगा इस आवाज़ को। इसके मन में इतने अरमान हैं। विकास आज चंबा भरमौर से भी बहुत दूर से ये होली से मेरे पास पहुंचा है, और बचपन में किसी कारणवश इसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आज भी इसके मन में ये शौक है एक गाने का, गायक कलाकार बनने का। विकास, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बारे में? और इससे पहले मैं शायद इनके साथ इनके एक दोस्त भी आए हैं, क्या नाम है आपका? सतीश जी, आप भी आइए विकास के बारे में। मैं विकास को काफी टाइम से जानता हूँ, ये बड़ा मेहनती है, ये पढ़ भी रहा है और खुद ही गाने लिखता है और खुद ही गाता है। इसने बहुत सारे गाने लिख छोड़े हैं। ये अपने सभी गाने आपको एक एक करके सुनाएगा। आज ये यहाँ तक पहुँचा है सर जी के स्टूडियो पे, और ये अपना गाना निकाल रहा है, देवों के देवों मेरे महादेवा। तो आप इसे अपना पूरा सहयोग दें। ये अपने शारीरिक संतुलन की वजह से आपको अपना टैलेंट नहीं बता सका, तो अभी आपको अपना टैलेंट बताएगा, और आप इसको फुल सपोर्ट करें। इसके घर बहुत ही दूर भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में, होली में इसके घर, और उधर उतना साधन भी नहीं है, जैसे खाने पीने का, जैसे ट्रांसपोर्ट उतनी नहीं चलती उधर, पर आप इसे सपोर्ट करें ताकि ये कहीं अच्छी जगह पे पहुँचे। ज़रूर ज़रूर सतीश, यह बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा इंसान है, और बहुत अच्छा लिखता है। हम भी ये दुआ करेंगे कि इसके सारे गाने, अभी तो ये भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिर लगा रहा है, लेकिन इसका जो अगला सॉन्ग है डांसिंग वाला, वो बहुत भरमौर वाला, वो बहुत अच्छा गाना है, वो भी बहुत जल्द आपके सामने आएगा। थैंक यू सो मच। विकास, कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस थैंक यू बोल दिया। ठीक है, पहुँचे हैं इनके साथ, बहुत दूर से आए हैं, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज। और आज मैं सच में एक ऐतिहासिक गाना, हिस्टोरिकल सॉन्ग बनाने जा रहा हूँ। तो विकास, क्या बोलेंगे आप अपने बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, और एक ऐसा सिंगर बनना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में छाना चाहता हूँ, और मेरे गाने जो है मतलब हिमाचल से बाहर भी चले जाइए, ऐसे गाऊँगा मैं। बहुत शौक इस बच्चे में है, और बहुत ही मन से ये गाता है, और बहुत दिनों से कॉल भी आ रहा था विकास का कि सर गाना करना है, तो मैं इसको टाइम नहीं दे पाया, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचा और मैंने इसको सुना, और उसके सबसे ज़्यादा उसके हौसले को सुना, तो मुझे एक सिंगर बनना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमेशा इस तरह के टैलेंट को रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ने में मदद करें। एंड भैरवी स्टूडियोज ऑलवेज वेलकम सच काइंड ऑफ टैलेंट्स, और हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई ऐसा टैलेंट हमें मिले, हमें जितना हेल्प हम कर सकते हैं स्टूडियो की तरफ से करेंगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशंस और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि ये भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। और ये सच में बहुत अच्छा गाता है, और बहुत अच्छे सॉन्ग्स इसके आने वाले हैं, तो कीप सपोर्टिंग विकास। विकास, कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मौका दिया। भगवान का धन्यवाद, भोलेनाथ का धन्यवाद, जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुँचे हैं। हेलो सर, और जल्दी ही सॉन्ग आपके बीच में होंगे,
तो सभी का फिर से एक बार फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।